का कहना है कि स्टील मिल्स की इस्लाह एक चैलेंज है, इसे मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे। लो बनाएंगे, करेंगे, देंगे, देगा। खुदा का वास्ता राजा साहब, बाकियों को करने दे, ये गा गेगी, आप ना करें कभी। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी गा गेगी में बरकत बिल्कुल ही नहीं। आपकी गा गेगी के तो लतीफे, मुहावरे, जरबुल मिसले, अफसाने, किस्से, जंत्रियां छप चुकी है जनाब। आप ना गा गेगी किया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी, लोगों की हंसी निकल जाती है। बल्कि मैं कहता हूं कि ये जो फ्यूचर टेंस है ना, अपनी लैंग्वेज से ही निकाल दे। आपके इस फ्यूचर टेंस की वजह से ही तो हम टेंस हुए हुए हैं। स्टील मिल को मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे, खुदा का वास्ता पहले बिजली तो पैदा करें। 11 वाट का बल्ब आपसे जल नहीं रहा, स्टील मिल अपने हाथ से चलानी है। ये जनाब स्टील मिल है, एक रो वाली रेड़ी नहीं, जो बती जाए तो बंदा हाथ से भी चला लेता है। गर्मी और लोड शेडिंग ने आवाम को नफसियाती मरीज बना दिया, गली मोहल्लों में झगड़े, बसों वैगनों में कंडक्टरों और मुसाफिरों की तकरार। ओए होए होए, वाकई ईमान से ये लोड शेडिंग ने तो आवाम को पागल कर दिया। ऊपर से लोग बेचारे रोजा रख के इतनी गर्मी में बाहर निकलते हैं। बिल्कुल, लाहौर से समड़ियाल वाली बस में बैठा हुआ बंदा कह रहा होता यार शंकर आएगा तो मैं ला दे। बस में बैठे हुए बंदे से को पूछ लेना भाई जी टिकट लीजिए, अगला कह देता भाई जी शो शुरू करो टिकट भी ले लीजिए। फिर कंडक्टर कहे ना भाई जी किराया तो दियो, की किराया मैं साइकिल ठीक कराया, की किराया जो कराया घूमत ने कराया मैं कराया। बिल्कुल यही हाल है। सिग्नल पे वैगन रुके यार मुसाफिर लड़ पड़ते हैं, चल तोड़ ले इशारा बांधी हो कड़ी पस्तौल कट ली। तुम सब्जी वाली दुकानों पे देख लो, पादरा करेले वे वे पाई पकाने जे या मंजी ठोकने जे। चल यार टमाटर तेरा लाल लाल दे दे, हरे ही ले जाओ घर जाके चपेड़ा मार के लाल कर लेना। ये धोबी की दुकान पे यार मैं सुबह गया हूं, मैंने कहा तुमने मेरे सूट के ऊपर इस्त्री का निशान लगा दिया। कहना 25 रुपये में इस्त्री का निशान ही लगना और मर्सिडीज का लगा दू। सड़कों के ऊपर बेचारे तपे हुए लोग जा रहे होते हैं, कोई टांगे वाला कह देना बाऊ जी तेरा बच के, बाऊ पीछे मुड़ के लड़ पड़ता है कादा में बाऊ आए, जूती मेरी तो तले जमोरी हुई है कादा में बाऊ। बंदा पूछे तुम्हारी तले की मोरी कौन सी नजर आ रही है, तुम कद ली अपनी बहू ने खराब कर रहे। यार को टाइम पूछ लेना भाई जी की वजह है, जी रोड़ा वजह है जी, देख ले शीशा टूटा है की वजह। यार तुम बस वाले से पूछ लो भाई जी उकाड़े जाने सीट है, नहीं जी सीट कोई नहीं तरी बिछाई। बंदा पूछे मैंने उकाड़े जाना है या कुलों पे जाना है यार दरी बिछाई है। यार इस लोड शेडिंग से अके हुए तो चपड़ासी अफसरों के गल पड़ रहे हैं। ओ मनीर लेट क्यों आए हो जी, तुहानू नहीं पता तुसी पैरिस च रहिंदे हो। वो तो बेचारा गुस्से में कह देता उसे क्या पता है वाकई अफसर तो पैरिस में ही रहते हैं, जिसके कार में जनरेटर है या यूपीएस है वो तो पेरिस में ही रह रहा है। वज़ीर आज़म स्विस हुकाम को खत नहीं लिख सकते, वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। जवाब नहीं, कोरा जवाब। ये अदलिया के एहतराम की एक और मिसाल है। यार वैसे हाथ धो गई है ये हुकूमत वाले, क्यों नहीं खत ले रहे यार, ये क्या हो गया। यार उनका मौकफ ये है कि खत लिखकर हम सदर को बैनुल अक्वामी सतह पर बदनाम नहीं कर सकते। यार मगर ये तो देखें कि अदलिया के एहतराम को भी रोल रहे हैं और जमहूरियत का भी वकार खराब कर रहे हैं। लिख दे खत, इसमें क्या और क्या लिख दे खत, तुम बता दो। यार लिख के खत गलत पते पे भेज दे, नंबर 12 की जगह 21 लिख दे, बाद में कह देंगे याद नहीं रहा दो इधर डालना था कि एक इधर डालना। या इस तरह करेंगे कोई गलती लिखाई वाले बंदे से लिखवा ले, अगले को समझ ही ना आए, किसी डॉक्टर से लिखा ले, डॉक्टर आसम से लिखा ले, डॉक्टर की लिखाई तो समझ ही नहीं आती। ऊपर से चौरी शुजात साहब बैठ के उनको लिखाए, लिखाने वाले की लिखने वाले को समझ ना आए, लिखने वाले की आगे पढ़ने वाले को समझ ना आए। वो स्विस हुकूमत खत लेके मेडिकल स्टोरों पे फिरती रहे, मैं काका दवाई है तेरे को ले। वो आगे से गए अम्मा जी की तकलीफ है आपको, पुत्र मैनू नहीं को तकलीफ है, ये पाकिस्तानियों ने नुस्खा भेजा है दवाई मंगवाई है पाकिस्तानियों ने। अम्मा जी ये देसी दवाई हम नहीं रखते, यूनान के किसी मेडिकल स्टोर से ले। चेयरमैन
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ندیم افضل چند نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ کی سہولت کے عوض بیوروکریٹس کو پیسے دینے کی پالیسی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ بڑا زبردست کام یہ ٹرانسپورٹ کے نام پر بیوروکریسی جس طرح گلچھرے اڑاتی ہے نا، واقعی اگر اس کا خاتمہ ہو جائے نا تو ایک قوم پر بہت بڑا احسان ہو۔ کسی بھی لیڈی مارکیٹ میں چلے جاؤ تم، آدھے سے زیادہ گرین پلیٹ والی گاڑیاں ہی کھڑی ہوتی سکولوں کے باہر، بالکل ہاں گرین پلیٹوں والی گاڑیاں۔ سرکاری گڈی اس قدر پرائیویٹ استعمال ہوتی ہے، آدھے سے زیادہ گرین پلیٹ والی گاڑیاں جو ہیں وہ صاحب کے نیچے نہیں ہوتی، صاحب کی صاحب کے نیچے ہوتی، اور ان کو یہ پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ حکومت کا اس میں تیل سڑ رہا ہے۔ بڑے آرام سے آواز دے دیتی، فضل بڑی گاڑی لے جاؤ اور کتے کے لیے چھوٹی اوجری لے آؤ۔ بھائی اوجری چھوٹی منگانی ہے تو خدا کے لیے گاڑی بھی چھوٹی بھیج دو، بڑی گاڑی میں چھوٹی اوجری۔ فضلو نئی پراڈو لے جاؤ اور اپنے صاحب کی پرانی راڈو میں سیل ڈلوا لاؤ۔ بندہ پوچھے یار راڈو پرانی ہے تو پراڈو بھی پرانی لے جاؤ۔ فضلو سفید گاڑی لے جاؤ اور کالا شاہ کاکو سے کام کرنے والی کالوں کو لے آؤ۔ بندہ پوچھے کالا شاہ کاکو سے کالوں کو لانا ہے تو گڈی بھی کالی لے جاؤ۔ کیا وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد۔